हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर करने वाले हैं टीडीएस को। टीडीएस में क्या चीज़ होगा? टीडीएस में यहाँ पे मैं कंप्यूटराइज मैंने से बताऊँगा कि कैसे हम टैक्स काटते हैं, यानी इनकम टैक्स। यहाँ पे अगर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर इसका अगर आप चाहोगे क्लास तो मैं इसका पूरा कम्प्लीट क्लास दूंगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं ये बताऊँगा कि एक क्वेश्चन होगा हमारे पास, उस क्वेश्चन पर हम कैसे टैक्स काट लेंगे और कैसे हम बैंक को पेमेंट कर देंगे, कैसे टीडीएस का चालान बनेगा, वो मैं पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज मैनर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है लिखा है टीडीएस, यानी इसका पूरा नाम है टैक्स डी फॉर डिडक्टेड एज फॉर मतलब होता है सोर्स, यानी टैक्स काटने की शक्ति। तो लिखा है यहाँ पे कि टीडीएस इज वन ऑफ द मोड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। टीडीएस एक शक्ति है, क्या है चीज़, एक मोड, एक तरीका है जो इनकम टैक्स काटता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि मिस्टर वारिस इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है जो हॉर्स बेटिंग में इन्वॉल्व है, कहाँ पर, इंडियन हॉर्स रेस क्लब दिल्ली। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया, 1,01,00,000 रुपये जीता है, कंपनी पेड अमाउंट टैक्स डिडक्टेड 30%। कंपनी उनको क्या कर रही है, यानी इंडियन हॉर्स क्लब जो है इनको 30% इनकम टैक्स काटेगी, फिर उनको पैसा देगी। ठीक है ना, मतलब सीधा सा है कि अगर आप 1,00,00,000 रुपये जीत गए लॉटरी के माध्यम से तो आपको 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसके इसको कुछ टाइप दिखा दूं मैं। यहाँ पे टीडीएस पेमेंट ऑफ नेचर, इसमें क्या होता है, कमीशन सेल्स ऑन लॉटरी पे भी लगता है, कमीशन बुकरेज पे भी लगेगा, फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस पे भी लगेगा, इंश्योरेंस कमीशन है उस पर लगेगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कोई होगा तो इस पर भी टैक्स लगेगा, रेंट वगैरह है या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस स्पोर्ट, ठीक है, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट, तो इस पर भी टैक्स लगता है। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस स्पोर्ट। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको हेल्प करेगा आगे काम करने में। यहाँ पे कुछ डिडक्टिव टाइप है, एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन से, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोई होगा, कंपनी का बंदा होगा या कंपनी का नॉन रेसिडेंट बंदा होगा, कॉपरेशन सोसाइटी कोई बंदा होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट का बंदा होगा। ठीक है, तो इसका सेशन में अलग से बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पर केवल हमें प्रैक्टिकल देखना है। ठीक है ना, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इस व्यक्ति को रखना है क्योंकि ये कंपनी से नहीं है, बाहर ही बनता है ना। और एक और चीज़ जानो, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये चीज़ जान लेना, जिसका 2,50,000 होता है ना, ठीक है, 2,50,000 और 3,00,000, तो इन लोगों को छूट कैसे दिया गया है, जो 80 साल के एबव होते हैं, ठीक है ना, उनको 3,00,000 पे दिया गया है, बाकी लोगों को 2,50,000 पे। ठीक है, तो इनको पूरा प्रोसीजर मैं करके दिखाता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, यानी क्या, अगर इनकम टैक्स की बात करें हम, तो इसमें एक रेट सेट किया गया है कि जो भी बंदा 60 साल का एज का है, ठीक है ना, उसको अगर 2,50,000 है इनकम तो वो टैक्स पे करेगा, और जो 80 साल का बंदा है उसका 3,00,000 भी है, ठीक है, तो वो पे करेगा, और एज के अकॉर्डिंग भी बात की जाती है ना। तो एक और चीज़ यहाँ पर कि 5,00,000 भी इसको सेट किया गया है। अब इसका रेट मैं अलग से सेशन बना गया था, रेट आपको समझा दूंगा, फिलहाल हम क्वेश्चन को फोकस करेंगे। क्वेश्चन ये हमारे पास यही है कि एक बंदा है जो हॉर्स बेटिंग करता है, और कंपनी क्या करे इनको, इनको 30% टैक्स डिडक्ट करके पैसा देगी, तो इसको हम टैली में कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं पूरा इसका कंपनी, एंटर किया। इंडिया, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम सेलेक्टेड सेट कर लेंगे, इसका मैंने अलग से सेशन बनाया है कंपनी बनाने का, वो आप सेशन जाके देख सकते हो कि कैसे हम कंपनी पूरा बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ है तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, कंपनी का नाम दे करके। अब ये हमारे पास है कि इंडियन हॉर्स रेस क्लब दिल्ली, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना होगा, कुछ चीज़ें ऐसे करनी पड़ेंगी, जैसे F11 करेंगे, F3 करेंगे, क्योंकि टैक्स हमें यहाँ लगाना है ना, सिंपल सा। तो हम यहाँ जाएंगे, ये रहा TDS, TDS को यस करेंगे, यहाँ लिखा है ना कि इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको यस करिएगा, और नीचे सेट अल्टर डिटेल, यस करिए। यहाँ एक फॉर्म खुलेगा, तो यहाँ देख लो कि टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी हर एक व्यापारी का नंबर होता है, तो ये कैसा होता है, अल्फ़ाबेट में होगा कुछ, जैसे मैं एक फिलहाल दे देता हूँ, और ठीक है, और यहाँ पे टैन का अकाउंट नंबर होगा, ये देखो आपको एक मैसेज देगा, अगर हम कुछ हम रॉन्ग भी लिखते हैं ना, जैसे हम लिख दिया
तो यहाँ पे बोला क्या, देखो यहाँ पे टेन नंबर जो स्ट्रक्चर होता है इसका, चार अल्फ़ाबेट होता है, पांच न्यूमेरिक होता है, एक अल्फ़ा होता है, यानी इसका एग्जांपल ये है आपके पास, ठीक है ना, चार अल्फ़ा, पांच न्यूमेरिक और एक अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो एजुकेशन बेस है तो वैसे आपको फॉर्म मिलेगा, आप फिल कर सकते हो ना। तो यहाँ पर समझना है तो समझ लो इसको, आप इसको लिख लो, ठीक है ना। जो टेन का रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर होता है वो उसमें चार अल्फ़ाबेट रहेगा, ठीक है, इसको सेट कर लो, चार अल्फ़ाबेट पाँच न्यूमेरिक। तो क्या किया आपने, चार अल्फ़ाबेट पांच न्यूमेरिक एक अल्फ़ाबेट, ठीक है, एंटर किया। अब ये कंपनी क्या है, जो कलेक्टर काटने वाला बंदा है वो कंपनी है। यहाँ पर इसको क्या करना है, ब्रांच सेट कर सकते हो, जैसे आपने कर दिया दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे यस कर दो, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट, यानी जिसका आप जिस पर्सन का डिटेल आप फिट करना चाहते हो उसका, यानी क्या है, ऑल द एबो डिटेल विल बी यूज इन चलान फॉर्म। तो यहाँ पे जिसका बना रहे हो तो लिखे मिस्टर वारिस, ठीक है, और गेसन ऑफ डॉटर जो लिखना है उनको लिख दो। यहाँ पे डिसिग्नेशन का है बिजनेस मैन, इनका पैन नंबर वगैरह होगा, डिटेल होगा, ये सब पूरा पूरा डिटेल, ठीक है, आप लिख दो यहाँ पे। ये है एमपी के मध्य प्रदेश, आप ये सब डिटेल फिट कर लेना, नंबर वगैरह इनका, ठीक है, इसको सेव कर लो। यहाँ पर रेट पूछ रहा है, आप 30% लगा दिया आपने, इसको सेव कर लो, ठीक है। सेव करने के बाद आप बैक जाओ, बैक जाने के बाद क्या करना है, हमें अकाउंट इन्फो जाना है, लेज़र बनाना है, किस चीज़ का, एक बनाएंगे हम बैंक का, बैंक बना लेते हैं हम SBI, इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, ये पूरा डिटेल फिट कर देंगे, सेव किया। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ बनाएंगे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, है ना, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखो सीधा सीधा। इसको यहाँ पर स्पेस प्रेस करोगे तो आपको अप्लीकेबल है, ये कि ये है न्यू वर्जन, न्यू वर्जन में आपको सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। अप्लीकेबल भी जाओ, यहाँ पर न्यू कैटेगरी करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम हॉर्स, या यहाँ लिख देंगे हॉर्स रेसिंग। यहाँ पर सेक्शन जो होगा, सेक्शन देखो यहाँ पर रखते हैं हम लोग 149BB, ठीक है, और पेमेंट कोड होगा, पेमेंट कोड को भी डिक्लेयर करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो पेमेंट कोड है, पेमेंट कोड इसका सेक्शन पूरा चार्ट होगा, वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा एक बार, वो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं दे देता हूँ B2 22, ठीक है, और यहाँ पर जो रेट है, रेट आपने लगाया 30%, सेट कर लो। अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, एग्जाम सून लिमिट हो, उसको सेट कर सकते हो। इसके बाद इसको सेव कर लो, सेव करने के बाद अब बनाओगे TDS ऑन हॉर्स रेस, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहाँ लिख सकते हो @ 30%, लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। सेव करो इसको, इसको सेव करोगे किसमें, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ड्यूटी टैक्स देने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा TDS, TDS के बाद जो आपने बनाया था हॉर्स रेसिंग, इसको सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा। और अब बनाएंगे हम मिस्टर वारिस का, ठीक है, ये कौन है, सिंडिकेटर। यहाँ पे क्या करना है, इनको यस करिएगा, और यहाँ पर हमें डिडक्टिव टाइप सेट करना होगा, ये कौन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है, ठीक है। सेव करो इसको, सेव करने के बाद हम बैक जाएंगे, अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F7। F7 में क्या करना है, हमें पे करना है क्या, पहले विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, एंटर किया, कितना था, 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पर कि सैलरी वगैरह पे भी लगता है अलग अलग टाइप से, ठीक है, तो उसका मैं सेक्शन अलग ले आऊँगा, फिलहाल ये क्वेश्चन रहेगा, 1 करोड़ रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 1 करोड़ हो गया, एंटर किया। इसके बाद मिस्टर वारिस को देंगे, देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया यहाँ पे,
70,000 यानी क्या 30% कट गया। न्यू रेफरेंस करो, न्यू रेफरेंस, और तीसरा लगाओगे टीडीएस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो 1 करोड़ था जिसमें से 70 लाख मिस्टर वारिस को जाएगा, 30 लाख टीडीएस कट जाएगा, है ना। इसको सेव करो, यहाँ लिख दो बीइंग 30% डिडक्टेड टीडीएस। सेव करो, सेव करने के बाद क्या करोगे, आपको वापस जाना है इसी अकाउंटिंग वाउचर में, प्रेस करना है F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिंगल बोर्ड एंट्री को यस करना होगा, ये वाला, इसको यस करिएगा, सेव कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास बैंक है, बैंक सेलेक्ट करेंगे, बैंक में पैसा देखिए, अब इस प्रेस करेंगे, अब TDS का जो पैसा रहेगा अगेंस्ट बैलेंस, ये देखो पेंडिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे 30 लाख। अब यहाँ पे क्या इनकम टैक्स कट गया 30 लाख रुपये बाई डिफॉल्ट, सेव करो, ये चेक के माध्यम से जो भी आपको होगा मीडियम बना लीजिएगा। देखो बीइंग TDS डिडक्टेड, सेव करो। सेव करने के बाद अब क्या करना होगा, देखो अब मैं दिखाता हूँ बैलेंस शीट, एंटर किया, देखो यहाँ पर दिख रहा है करेंट लाइबिलिटीज, यानी क्या 70 लाख रुपए आपको देना है किसको, मिस्टर वारिस को, है ना, वो तो आपने बताया था मोड केवल। अब क्या करोगे आप, पेमेंट F5 किया, F12 करके इसको सिंगल बोर्ड कर लीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, मिस्टर वारिस को सेलेक्ट करिए 70 लाख रुपए, एंटर किया, और आपको जैसे पे करना है पे कर दीजिए, बैंक से कैश से आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कर रहा है, ये ऐसा शो कर रहा है ना, अगर आपको कैश पे करना है कैश पे कर दो सीधा सा। ठीक है, सेव करो, नेगेटिव बैलेंस बोल रहा है। देखो यहाँ पे अगर ऐसा रेड पॉइंट हो, मतलब ये कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है ना, आप ट्रांजेक्शन कर लो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप हमेशा पैसा रख के ही ट्रांजेक्शन करिएगा, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरह से एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और अब देखो कुछ और चीज़, वापस जाते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट, जी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब मैं दिखाता हूँ कुछ और, डबल डी प्रेस किया, हम जाएंगे TDS वाले पे, सबको प्रिंट करना है, इसका चलान आपको देखना है ना, आप प्रेस करो अल्ट के साथ P, बैक स्पेस करो, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज जो भी चाहिए सीएस कर लेना, डेट होगा, एक चार 2018, इसको सेव करो, अल्ट के साथ जेड करो। देखो यहाँ पर आ गया TDS चलान, है ना, ये किसके नाम से आ गया, देखो यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर था, और इंडियन हॉर्स रेस दिल्ली क्लब, ये देखो ध्यान से चलान नंबर जो है ना 281 बाई डिफॉल्ट है, और जो आपने दिया कोड वगैरह यहाँ पर शो करेगा, कितने का 30 लाख का इनकम टैक्स, 30 लाख कटा, और यहाँ पर डिटेल कंप्लीट रहेगा हॉर्स रेस का, यहाँ पर बैंक का सील वगैरह रहेगा, देखो यही पूरा कंप्लीट रहेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम चलान को प्रिंट करके निकाल लेंगे और बैंक में सबमिट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ पर TDS का सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।